किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज का जो मुख्य विषय है किसानों के संबंध में बात करना चाहता हूँ। साथियों, कि बहुत समय से किसानों की मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग जो बना है उसने जो रिपोर्ट संसद में पेश की है उस रिपोर्ट को लागू किया जाए जिससे किसानों को फायदा हो। किसानों की मांग थी कि MSP जो समर्थन मूल्य है उसको गारंटी बनाकर दे दिया जाए, लेकिन हमने पिछले दिन देखा कि बहुमत का फायदा उन्होंने लोकसभा में तो बिल को मैं थपथपा कर पास कर लिया, लेकिन जब वो बिल राज्यसभा में पेश हुआ तो उनके ही सहयोगी दल अकाली दल शिवसेना जैसे दल जो उनके सबसे पुराने सहयोगी थे उन्होंने भी इस किसान बिल का विरोध किया। इस किसान बिल के विरोध में यहाँ तक कि अकाली दल की जो मंत्री थी उन्हें तक इस्तीफा दे दिया और उसने आरोप लगाया कि मोदी जी ने इस बिल में इस बिल लाने के पहले किसी भी सहयोगी दल या किसानों से कोई चर्चा नहीं की। आज जो कृषि बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया हठधर्मी से, जिसमें किसानों की MPSC तय नहीं की गई है न तो किसानों को, उन्होंने एक ये तय किया है कि हमारी जो किसानों की ज़मीन है वो कॉर्पोरेट एरिया वाले कॉर्पोरेट बिल जो हैं वो पट्टे पे या इस पे लेने का हक दिया गया है। मंडियां प्राइवेट खोलने का जो अधिकार दिया है ये काफ़ी किसानों के लिए नुकसानदायक है और किसान इससे बर्बाद होगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट एरिया जो हैं जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी के बड़े प्रिय हैं अंबानी अडानी और ये लोग ये ज़मीन छोटे किसानों से हथियाएंगे, जिसका परिणाम हम देख चुके हैं। पंजाब में ये हो चुका है और इसी कारण पंजाब जो उनका साथी दल था अकाली दल उन्होंने इसको छोड़ते हुए सरकार के खिलाफ खड़े होकर किसानों को साथ दिया और कांग्रेस सदा किसानों की रही है। कांग्रेस किसानों से ही है और किसान कांग्रेस की जान है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस को। बाला बच्चन जी चूँकि आज उनकी पहले से तय मीटिंग थी बदनावर में और ग्यारसीलाल जी रावत बमोरी में थे, सूचना दोनों को दी गई थी, पर ये चूँकि पूर्णतः कार्यक्रम था इसलिए शायद वो नहीं आ पाए हैं और जो कारण क्या रहे हैं वो निश्चित रूप से जिला कांग्रेस पूछेगी। जिले से तीसरी विधायक चंद्रमा किरण इस कार्यक्रम में आए, उनको भी आमंत्रित किया था पर उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि वो कहाँ थे। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई ओम सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लाखों लाख किसानों के हित में, देश की यशस्वी सरकार, देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस बार के लोकसभा के सेशन में कृषि संशोधन विधेयक जो बिल पास हुआ है उस विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लंबे समय तक इस देश में एक ही दल की सरकार रही है परंतु विगत 6 वर्षों में एक स्पष्ट रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से जुड़े अनेक ऐसे पहलुओं का निर्णय किया जिससे किसानों की लागत भी कम हुई है, उसका उपार्जन भी बढ़ा है और उसकी उपार्जन के बाद उसको मिलने वाला मूल्य भी, उसको फसल का डबल मूल्य मिले उसके लिए सरकार अग्रसित है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पैदावार से लेकर विक्रय तक की अनेक प्रकार के संशोधन वाली योजनाएं लागू करी जिसको लेकर कानून में बदलाव किया गया, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अकाली दल ने क्यों विरोध किया है? निश्चित तौर पर अकाली दल का जो प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पर किसानों का क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर भ्रामक प्रचार कहीं ना कहीं किया जा रहा है और उनको उस भ्रामक प्रचार से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि अकाली दल हमारे ही साथ जुड़कर काम करने वाला पार्टी है, लंबे समय तक हमारे साथ उन्होंने पार्टी से जुड़कर काम किया है परंतु कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो किसानों के हित में और जहां पर व्यापारियों को ध्यान में रखकर जो बातें देखी गई है कांग्रेस की तरफ से,
तो वहाँ पर कांग्रेस जैसे अनेक दल राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को लेकर काम करती है। ये पहली बार ऐसी मात्र देश की सरकार है जो किसानों को देखकर निर्णय भी ले रही है और किसानों के हित में फैसले भी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है अडानी अंबानी को इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, एनएसपी क्यों नहीं जुड़ेगी? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह भ्रम पैदा करने की बात है। अगर किसान का माल खुले बाजार में कर रहे हैं कि उसको किसान चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो उसको बाजार में बेचे, किसान चाहे तो उसको मध्य प्रदेश के बाहर बेचे, देश के किसी भी कोने में अपना माल जहाँ पर उसको उचित मूल्य मिल सकता है तो वो बेच सकता है। इसमें अडानी की बात तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो खुला बाजार हो गया। अडानी जैसे कई व्यापारी लोग हैं जो इसको खरीद सकते हैं, जो ऊंचा दाम देगा। किसान स्वतंत्र है कि वो कहीं भी अपना माल बेच सकता है। ये पहली बार ऐसा कानून लागू हुआ है कि जहाँ पर किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। स्टॉक लिमिट खत्म होने से तो कालाबाजारी बढ़ेगी निश्चित तौर पर। मुझे लगता है कि स्टॉक लिमिट के लिए अभी देश में और प्रदेश में कई प्रकार के स्टॉक लिमिटों को लेकर बात चल रही है और पिछली मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टॉकों को संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस गोडाउन बनाए हैं। निश्चित तौर पर अभी इस पिछले 6 सालों में जब से हमने खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही है तब से किसानों का उपार्जन भी बढ़ा है और किसानों की आय भी बढ़ी है, उसको लेकर अब गोडाउन और अब वेयर हाउस भी कम पड़ने लगे हैं। इसलिए स्टॉक की जो बात है कि अब स्टॉक लिमिट न के बराबर रहे, इसलिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएँ लागू करी जिससे नए नए गोडाउन बनाकर अपने माल को रखने की पद्धति की है और इसलिए किसान भी स्टॉक कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है और उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। बिल अगर किसान हितैषी है तो इसमें जो विपक्ष का आरोप है कि सिविल कोर्ट जाने का अधिकार तो किसान को नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि इस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और जनहित में कोर्ट में किसी प्रकार के निर्णय को लेकर भी जनहित के मुद्दे लगाए जाते हैं। तो इस सरकार में कानून के दायरे में सभी को न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस विधेयक का अध्ययन करने के बाद में किसान भी स्वतंत्र है क्योंकि किसान का सम्मान और किसान का मूल्य मिलना चाहिए। उसके लिए वो जो भी इस विधेयक में ध्यान में आएगा उसमें संशोधन किया गया है और ये जब लागू होगा तो अपने आप में लगेगा कि किसान को कहीं इसमें लाभ से जोड़ा गया है। कृषि बिल लाया गया है आपकी सरकार के द्वारा, यह उद्योगपतियों को खासकर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला है, क्या कहेंगे? कांग्रेस आज विपक्ष में है पर इसके पहले जब सरकार में थी मनमोहन सिंह जी के समय भी इस प्रकार का प्रस्ताव आया था। वर्तमान में जो केंद्र सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में जो प्रस्ताव आया है ये किसान हितैषी है और किसानों के हित में है। मुझे बताइए आप कि देश में एक उद्योगपति है उसको मोटरसाइकिल बेचने का हक है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मोटरसाइकिल बेच सकती है। कोई ऑटो पार्ट्स है तो वो ऑटो पार्ट्स की दुकानदार कहीं भी बेच सकता है, सोना चांदी वो दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। तो किसान अपने माल को क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेच नहीं सकता है? कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े को कहीं भी जाके बेच सकता है जहाँ उसको मिलता है व्यापार करने की जगह, वो सभी दूर अपना व्यापार कर सकता है। उसी प्रकार आप किसान भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला है और आत्मनिर्भर भारत में किसान सक्षम होगा, सशक्त होगा, इससे ही हमारा देश आगे बढ़ने वाला है और किसानों को लंबे टर्न में इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अब प्रतिपक्ष का काम है कि उनका काम है विरोध करना तो करें, पर कोई बहुत मुद्दा है नहीं और किसानों को भ्रमित करने का काम है। हमारे मध्य प्रदेश का किसान, हमारा देश का किसान काफ़ी समझदार है और अब उन्नत कृषि की ओर वो आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से हमारे किसान समझदार और वो हमारे साथ में, ठीक है? ओके, शानदार। समुदाय को एक एक गांव को, निसरपुर हो कि कड़माण हो कि कुंडिया हो कि कसरावद हो, इन्होंने एक प्रकार से बर्बाद कर दिया कम अधिक। वैसे ही गांधी जी की समाधि जहां एकमात्र स्थान था कि जहां कस्तूरबा, महात्मा जी और महादेव भाई तीनों के अस्थि कलश काशीनाथ दादा त्रिवेदी ने रखे थे, 1948 से वहां बनी हुई वो समाधि डिजास्टर मैनेजमेंट का फोर्स दिल्ली से लाकर रात को 2:30 बजे उठाकर जेसीबी में कीचड़ के बीच में कलश रखकर यहाँ लाने का काम उन्होंने किया। हमारा बहुत बड़ा प्रतिरोध हुआ था लेकिन उपवास शुरू होने वाला था 2017 की 27 जुलाई की तारीख थी वो, और उसी दिन उन्होंने ये हल्ला बोल करके आखिर में यहाँ कलश लाए। एक ही बात हुई कि जैसे संघर्ष के कारण ही लोगों का पुनर्वास हुआ, हज़ारों को ज़मीन मिली, हज़ारों को घर प्लॉट मिले,
पर कुछ बाकी रह ही गया है, तो इसके लिए दलित मजदूर मछुआरे कुछ दुकानदार कुछ किसान भी परेशान है। तो गांधी भी मेरे ख्याल से यहाँ पुनर्वसित होकर भी परेशानी, उसका तो धिक्कार करें इतना कम है। तीन अध्यादेश जो अभी विधेयक बन गए हैं, तीनों का नतीजा एक ही होने वाला है और वो है खेती में कंपनियों का प्रवेश। ये कॉरपोरेटीकरण पहले पंजाब के किसानों ने भुगता है, गुजरात के किसानों ने पिछले साल पेप्सिको के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि आलू उत्पादकों को भी कंपनियों ने फंसाया। कंपनी पहले लालच देगी और फिर न केवल आलू की कीमत या किसी भी उपज की कीमत छीन लेगी, जमीन ही छीन लेगी, क्योंकि किसान आज भी रोज 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सुशांत सिंह की एक आत्महत्या मीडिया में इतनी सचती धचती है और किसानों की आत्महत्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब खुली छूट दे रहे हैं और मंडियों को ख़त्म करके, आज यहाँ मंडी के अध्यक्ष मोहन भाई पाटीदार बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि मंडी ख़त्म ही होने वाली है और जो निजी मंडियाँ चलेगी उसमें मनमानी होने वाली है। ये जो पूंजी और बाजार का राज ला रहे हैं वो कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों को, जिन्होंने 68,000 करोड़ रुपये की छूट लॉकडाउन के चलते हुए दी, जो किसानों को पूरी कर्ज माफी नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने ही लाई है। और डीजल के बिल बढ़ गए हैं, बिजली के बिल अव्वा के सव्वा आ रहे हैं, जो 2000